महामहिम राष्ट्रपति जी की अनुमति हो तो खेल पुरस्कार समारोह का प्रारंभ किया जाए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2012 सूबेदार मेजर विजय कुमार। सूबेदार मेजर विजय कुमार देश के सर्वाधिक उत्कृष्ट निशानेबाजों में से एक हैं। उन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में रजत पदक, राष्ट्रमंडल खेल 2010 में 3 स्वर्ण 1 रजत, ISSF कप बीजिंग 2009 में कांस्य पदक जीते। उन्हें 2006 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शूटिंग के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में और लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाने के लिए सूबेदार मेजर विजय कुमार को वर्ष 2012 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सूबेदार मेजर विजय कुमार। श्री योगेश्वर दत्त। श्री योगेश्वर दत्त देश के सर्वाधिक उत्कृष्ट कुश्तीबाजों में से एक हैं। उन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में कुश्ती 60 किलोग्राम श्रेणी में कांस्य पदक, राष्ट्रमंडल खेल 2010 में स्वर्ण पदक, वरिष्ठ एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2012 में स्वर्ण पदक, लंदन में आयोजित राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप 2007 में स्वर्ण पदक जीते। उन्हें 2006 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुश्ती के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में और लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाने के लिए श्री योगेश्वर दत्त को वर्ष 2012 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री योगेश्वर दत्त। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2012 श्री वीरेंद्र पूनिया। सफल एथलेटिक्स कोच श्री वीरेंद्र पूनिया से प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में सुश्री कृष्णा पूनिया, सुश्री रितु रानी, श्री कुलविंदर सिंह आदि शामिल हैं। कृष्णा पूनिया ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास बनाया। कोचिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में श्री वीरेंद्र पूनिया को वर्ष 2012 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री वीरेंद्र पूनिया। सुश्री सुनील डबास। सुश्री सुनील डबास के प्रशिक्षण के तहत भारतीय महिला कबड्डी टीम ने प्रथम महिला विश्व कप 2012, 16वें एशियाई खेल 2010, 11वें दक्षिण एशियाई खेल 2010, तीसरी एशियाई चैंपियनशिप 2009 में स्वर्ण पदक जीता। उनसे प्राप्त प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली सुश्री तेजस्विनी बाई ने अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में पदक जीते हैं। कोचिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में सुश्री सुनील डबास को वर्ष 2012 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सुश्री सुनील डबास। श्री यशवीर सिंह। कुश्ती के कोच श्री यशवीर सिंह से प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में श्री सुशील कुमार, श्री योगेश्वर दत्त इत्यादि शामिल हैं।
श्री सुशील कुमार ने लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक और बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य पदक जीता। कोचिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में श्री अश्वीर सिंह को वर्ष 2012 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री अश्वीर सिंह। श्री जसविंदर सिंह भाटिया। एथलेटिक्स कोच श्री जसविंदर सिंह भाटिया से प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को एशियाई ऑल स्टार एथलेटिक मीट, एशियाई ट्रैक एंड फील्ड, राष्ट्रीय खेलों तथा राष्ट्रमंडल खेल 2010 में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों से सम्मानित किया गया है। कोचिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में श्री जसविंदर सिंह भाटिया को आजीवन उपलब्धि हेतु वर्ष 2012 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री जसविंदर सिंह भाटिया। श्री भवानी मुखर्जी। श्री भवानी मुखर्जी 1974 से कोच के रूप में टेबल टेनिस के खिलाड़ियों के प्रशिक्षण से जुड़े हैं। उनके योगदान की वजह से भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेल 2010 में 5 पदक, विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2010 मिक्स डबल्स में कांस्य पदक जीते। कोचिंग के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में श्री भवानी मुखर्जी को आजीवन उपलब्धि हेतु वर्ष 2012 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री भवानी मुखर्जी। श्री हरेंद्र सिंह। श्री हरेंद्र सिंह खिलाड़ी तथा कोच दोनों के रूप में हॉकी से जुड़े हुए हैं। कोच के रूप में उनके योगदान की वजह से भारतीय हॉकी टीम पुरुष ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में रजत पदक, एशियाई खेल 2010 में कांस्य पदक, सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी में 2009 तथा 2010 दोनों के लिए स्वर्ण पदक जीते। कोचिंग के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देते हुए श्री हरेंद्र सिंह को वर्ष 2012 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री हरेंद्र सिंह। डॉक्टर सत्यपाल सिंह। डॉक्टर सत्यपाल सिंह 2004 से कोच के रूप में पैरा स्पोर्ट्स एथलेटिक्स से जुड़े हुए हैं। उनसे प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों ने पांचवें पैरा राष्ट्रीय खेलों 2010 में 3 कांस्य पदक और राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2012 में 22 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। कोचिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में डॉक्टर सत्यपाल सिंह को वर्ष 2012 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। डॉक्टर सत्यपाल सिंह। श्री बी आई फर्नांडिस। श्री बी आई फर्नांडिस क्यूबा के बॉक्सिंग कोच हैं। उनके प्रशिक्षण में भारतीय बॉक्सरों ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में 1 कांस्य पदक जीता, राष्ट्रमंडल खेल 2010 में 7 पदक, 3 स्वर्ण और 4 कांस्य, एशियाई खेल 2010 में 7 पदक, 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। कोचिंग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारतीय बॉक्सरों के प्रदर्शन में उनके योगदान को मान्यता देते हुए श्री बी आई फर्नांडिस को वर्ष 2012 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री बी आई फर्नांडिस।
अर्जुन पुरस्कार 2012 सुश्री दीपिका कुमारी। तीरंदाजी में उत्कृष्ट सुश्री दीपिका कुमारी ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में स्वर्ण पदक वैयक्तिक एवं टीम, तीरंदाजी विश्व कप 2011 के चौथे चरण में स्वर्ण पदक टीम तथा कांस्य पदक वैयक्तिक तथा कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। उन्होंने लंदन ओलंपिक्स 2012 में भी भाग लिया। तीरंदाजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में सुश्री दीपिका कुमारी को वर्ष 2012 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सुश्री दीपिका कुमारी। सुश्री लेसराम बोम्बाइला देवी। तीरंदाजी में उत्कृष्ट सुश्री लेसराम बोम्बाइला देवी ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में स्वर्ण पदक टीम, तीरंदाजी विश्व कप 2011 के चौथे चरण में स्वर्ण पदक टीम तथा कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। उन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 तथा लंदन ओलंपिक 2012 में भी भाग लिया। तीरंदाजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में सुश्री लेसराम बोम्बाइला देवी को वर्ष 2012 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सुश्री लेसराम बोम्बाइला देवी। सुश्री सुधा सिंह। एथलेटिक्स में उत्कृष्ट सुश्री सुधा सिंह ने 16वें एशियाई खेल 2010 में 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक, 8वीं एशियाई ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप 2009 में 3000 मीटर स्टीपल चेज में रजत पदक, 19वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2011 में 3000 मीटर स्टीपल चेज में एक रजत पदक तथा कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। उन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में भी भाग लिया। एथलेटिक्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में सुश्री सुधा सिंह को वर्ष 2012 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सुश्री सुधा सिंह। सुश्री कविता रामदास राउत। एथलेटिक्स में उत्कृष्ट सुश्री कविता रामदास राउत ने एशिया खेल 2010 में 10,000 मीटर में रजत पदक, 34वें राष्ट्रीय खेल 2011 में 10,000 मीटर तथा 5,000 मीटर दोनों में राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीते तथा कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक भी जीते हैं। एथलेटिक्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में सुश्री कविता रामदास राउत को वर्ष 2012 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सुश्री कविता रामदास राउत। सुश्री अश्विनी पोनप्पा। बैडमिंटन में उत्कृष्ट सुश्री अश्विनी पोनप्पा ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में स्वर्ण पदक महिला डबल्स और मिक्स डबल्स में रजत पदक, दक्षिण एशियाई खेल ढाका 2010 में टीम इवेंट और मिक्स डबल्स में स्वर्ण पदक तथा कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। उन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में भी भाग लिया। बैडमिंटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में सुश्री अश्विनी पोनप्पा को वर्ष 2012 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सुश्री अश्विनी पोनप्पा। श्री पारुपल्ली कश्यप।
बैडमिंटन में श्रेष्ठ श्री पारुपल्ली कश्यप ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में कांस्य पदक, पुरुष सिंगल्स और मिक्स टीम इवेंट में रजत पदक जीते। उन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में भी भाग लिया और पुरुष सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और ओलंपिक खेलों में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष बने। उन्होंने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी पदक जीते। बैडमिंटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में श्री पारुपल्ली कश्यप को वर्ष 2012 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री पारुपल्ली कश्यप। श्री आदित्य एस मेहता।